आशा हर साल रहती है, लेकिन इस साल भी मैं बहुत ही होपफुल हूँ और मुझे लगता है, आई नो दैट मैं हर साल कहती हूँ कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छी बैच है, लेकिन दिस ईयर वी रियली हैव एन एक्सेप्शनल बैच. और आप देखेंगे आज रात जो लड़कियाँ स्टेज पे प्रेजेंट होकर जाएंगी, दे आर रियली फैंटास्टिक और उन्होंने बहुत ही जल्द बहुत ही कम टाइम में बहुत कुछ सीखा है. सो दे आर लुकिंग रियली फैंटास्टिक. आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड I think I have already have a clear shot winner in my mind. और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इस मंच पे आज फिलहाल कम्पीट नहीं करना है, लेकिन ये लड़कियों के लिए ये दो तीन चार हफ्ते जो रहे हैं बहुत ही मुश्किल रहे हैं, बहुत ही कठिन रहे हैं. हमने उन्हें काफ़ी ग्रिल किया हुआ है इन द लास्ट फोर वीक्स. और लेकिन जो लड़कियाँ हैं आज जो आप देखेंगे स्टेज पे, वो काफ़ी बदली हुई हैं फ्रॉम द टाइम दैट दे गॉट सेलेक्टेड एट द ऑडिशन. तो आई एम हैप्पी एंड आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड कि मुझे ये मौका मिला कि मैं उनको थोड़ी सी बहुत मेंटर कर सकूं एंड यू नो जस्ट हेल्प देम लेटर ऑन इन देयर करियर्स इन लाइफ रिगार्डलेस. मैं कहना चाहूँगी भी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जो रिएक्शंस जब आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जीतते हैं तो जो रिएक्शंस नॉर्मली ब्यूटी क्वींस देते हैं क्या वो आप रिहर्स करके जाते हैं? तो मैं कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल जो रिएक्शंस होते हैं नेचुरल रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कि आप जीतने वाले हो या नहीं. बट आई डोंट बिलीव इन दैट. जैसे मैंने कहा था कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू भी आई थी कि आई डोंट बिलीव इन द कुकी कटर ब्यूटी यू नो कंटेस्टेंट क्वींस एंड आई हैव नेवर बीन दैट. तो ये मेरी बस की बात नहीं है. व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट एंड आई कीप इट रियल. थैंक यू.